श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री पितृदेवता। शास्त्र प्रमाण कहता है देवी देवताओं का तेज ओजस्व दीपक में बसता है, अर्थात जब दीप प्रज्वलित होता है तो हमारे देवी देवताओं के साथ साथ पितृदेवता भी बहुत प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष की सुंदर और श्रेष्ठ तिथियों में सबसे चमत्कारी दिन आ गया है। आपको अपने घर पर एक दिव्य दीपक का उपाय भले ही ब्रह्म मुहूर्त में करें, भले ही शाम को करें, जब भी आपको समय मिले आपको प्रयत्न करना है इस कार्य को आप कर पाएं। कैसे करें ध्यान से सुने, जो प्रथम वाला मैं दीपक का उपाय बता रही हूँ उस उपाय को आपको या तो अपने घर के दरवाजे पर करना है या इन पवित्र पेड़ जो गुरुजी ने कहा है, बड़ वृक्ष, पीपल वृक्ष और बेलपत्र, यह तीन वृक्ष पितृतुल्य और देवतुल्य कहे गए हैं, या तो घर के दरवाजे पर करें या इन तीन वृक्षों के नीचे कहीं भी आप एक स्थान पर उपाय करने के लिए जा सकते हैं। आप सभी को उपाय करने के लिए एक आटे का दीपक बना लेना होगा। आटे का दीपक प्रज्वलित होगा तो अति उत्तम रहेगा। बाद में चिड़िया कबूतर इसे ग्रहण कर लेंगे तो आपको इससे दीपदान का भी सुख मिलेगा और अन्नदान का तो मिलेगा ही, क्योंकि आटा जब चिड़िया कबूतर खाती हैं तो इसका वर्णन अद्भुत कहा है, उनका पेट भरेगा तो इसका सुख तो विशेष है ही। तो संभव हो तो आटे का दीपक बनाए, नहीं तो मिट्टी का भी ले सकते हैं। मिट्टी का ले रहे हैं तो साफ कर लीजिएगा, उसमें तेल बत्ती पड़ी हुई ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। अब यह पितरों के नाम का उपाय है तो आपको इसमें घी का दीपक और लंबी बत्ती का ही प्रयोग करना है, इस बात का ध्यान रखें। पितरों के देवता आर्य माँ का आपको नाम लेना है। किसका नाम लेना है? आर्य माँ का नाम लेना है। और आपको लेना है एक काली मिर्च, थोड़ा सा दो तीन जो है दाने या चार पांच दाने काले तिल, और साथ ही एक दाना आपको लेना है चावल का, ठीक है? एक चावल का दाना लेना है, मात्र एक चावल का दाना, और एक चुटकी काले तिल और एक काली मिर्च आपको लेनी है। यह पावन पवित्र उपाय परिवार के सभी पितृ दोष को तो दूर करेगा ही, साथ ही आने वाले रोग, संकट, कष्ट और हाईटोक लगती है, ये किसी भी स्वरूप में आपके जीवन में आपके पितरों को राह नहीं मिल रही है, तो कुल मिलाकर उनके लिए यह श्रेष्ठ कार्य रहेगा। आप सभी को एक चुटकी काली तिल, एक दाना चावल, एक काली मिर्च अपने हाथ में रखना है और इसे पूरे घर में घुमाना है। अशुद्ध स्थानों पर ना जाएं, लड्डवाथ इत्यादि में, और अपने घर में पूरी तरह से इसे घुमा लेना है अपने हाथ की हथेली में। अब जो दीपक आपने जो है लंबी बाती का, घी का या तिल के तेल का प्रयोग किया है उसमें आपको इसे डाल देना है। नाम क्या लेना है? पितृ देवताओं का स्मरण करना है, अपने कुलदेवी मैया का ध्यान करें, सोमवार की तिथि का ध्यान करें, परिवार के सदस्यों का स्मरण करें, नाम गोत्र बोलें और पितरों के देवता आर्य माँ का आपको स्मरण करना है। इसे ले जाकर या तो घर के दरवाजे पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए प्रज्वलित कर दीजिए या पीपल, बड़ या बेलपत्र वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर आ जाइए। यकीन मानिए जो यह दीपक लगा देगा उसके भाग्य की रेखाएं अपने आप ही प्रबल हो जाएंगी, रोग, कष्ट, संकट, पीड़ाओं से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगा। करके देखिएगा, बहुत सारा सुख इस उपाय से कई लोगों को मिलता है, आपको भी मिलेगा। तो प्रथम उपाय मैंने आपको बता दिया। दूसरा, दिव्य पावन पवित्र शिव सोमवार है, हालांकि गुरुजी ने कहा है पितृपक्ष के किसी भी दिन में यह उपाय किया जा सकता है, तो आपको करना है। पितृपक्ष की छठ पर किया जाने वाला उपाय मैंने पहले ही पब्लिश कर दिया है, वह वीडियो आप देखिए। गुरुजी का यह नया उपाय है जिसे आपको करना है। इस सोमवार के दिन आपको दो चावल परिपूर्ण लेने हैं, चाहे घर पर करें चाहे महादेव के मंदिर में करें, इच्छा आपकी है। दो चावल के दाने आपको लेना है, एक कलश जल अपने साथ ले जाना है महादेव के मंदिर में। सबसे पहले शिव मंदिर में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठना है, सुबह शाम देर रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं, और सभी मनोकामना की पूर्ति के लिए, कोई एक मनोकामना नहीं, सभी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले शिव मंदिर में दीपक लगाएं, उसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, उसके बाद जो आपने जल बाद में चढ़ाना है इस बात का ध्यान रखिए, सुनिए पहले। पहले आप सभी को चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी मनोकामना कहकर समर्पित करना है। दूसरा चावल का दाना आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। जल का लोटा जो लेकर गए हैं गुरु जी ने कहा है उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पहले चढ़ाना है, उसके बाद आपको इसे शिवलिंग पर चढ़ा देना है। कितना सुंदर, कितना सरल उपाय है। दो चावल के दाने की आवश्यकता है और जल का लोटा चाहिए और माता अशोक सुंदरी को प्राथमिकता इस उपाय में देनी है। दीपक से आरती कर लीजिए और कहिए कि हे पितृदेवता, आप तृप्त हो और मैंने आपके लिए जल का प्रबंध किया है, अर्थात जल शिवलिंग पर चढ़ाया है और साथ के साथ जो है अक्षत चढ़ाए हैं ताकि आपकी भूख शांत हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए घर आ जाइए। दो उपाय मैंने आपको बताए, बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। यह उपाय तुमरुका जी के नाम का है, कई भक्तजनों ने इसे किया होगा।
गुरु जी कहते हैं, सोमवार के दिन जीवन में दुख बढ़ने लगे, कष्ट कर्ज की स्थिति होने लगे और हर स्वरूप में आप हारने लगे, तो आपको क्या करना है कि एक दीपक लेना है, नया पुराना जैसा भी दीपक हो, उसमें काली तिल डालनी है। इन दिनों तो काले तिल की महत्वता अधिक है, तो यह उपाय तो सिद्ध उपाय है। काले तिल उस दीपक में डालिए, तुमरुका जी का नाम लेकर घी का प्रयोग कर प्रदोष काल में या शाम सुबह जब भी समय मिले आपको शिव मंदिर में इसे प्रज्वलित कर आ जाना है। आप देखेंगे अपने आप ही जीवन बदल रहा है, आने वाली विपत्ति संकट पीड़ा से मुक्ति मिल रही है। कैसा लगा उपाय बताइए जरूर। तीन उपाय मैंने बताए, बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। यह उपाय बहुत सिद्ध उपाय है और गुरु जी ने कहा है सोमवार के दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे आपको माता लक्ष्मी के नाम का जरूर दीपक लगाना है। इससे धन संबंधी परेशानी मिटती है। साथ ही सोमवार का दिन है, शिवलिंग के आसपास भी दीपक लगाइएगा, अर्थात शिव मंदिर में दीपक लगाइए। आवश्यक रूप से आप सभी कोशिश करें पंचामृत दूध दही घी शक्कर शहद शिवलिंग पर जरूर से चढ़ाइए। साथ के साथ सोमवार की पावन पवित्र तिथि है, घर के दोनों तरफ दरवाजे के दोनों तरफ शाम के समय में एक एक चुटकी आटा रखिएगा। जल का प्रबंध भी कीजिएगा, बहुत सुखद माना जाता है। एक लोटा जल घर के दरवाजे पर चिड़िया कबूतर के लिए रख सकते हैं। एक बाल्टी में जो चिड़िया के साथ साथ वन्य जीव जंतु अर्थात जो गौ माता वगैरह होती हैं, तो आप इस तरह से जल का प्रबंध करने से भी बहुत अधिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो यह उपाय भी आप चलते फिरते, कोई पैसा समय इसमें लगता ही नहीं है। गुरु जी ने साथ के साथ रोटी के लिए भी कहा है, आप जानते होंगे वृषकपि का नाम लेकर रोटी के दो टुकड़े करें और उसमें कुछ मीठा रखें, चाहे तो शक्कर गुड़ का टुकड़ा, थोड़ा सा खीर बनी है या चावल बनी है तो वह आप रख लीजिएगा, गौ माता को खिला दीजिएगा। तो इस तरह से आपको यह उपाय करने का प्रयत्न करना है। बहुत सुंदर दिन है, यकीन मानिए जी भाग्य बदलेगा, महादेव की कृपा रहेगी तो पितरों का भी तारण होगा और रोग कर्ज संकट से तो मुक्ति मिलनी ही है। तो इस तरह से यह आपको उपाय करना है। साथ के साथ अपने आप में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के बहुत श्रेष्ठ और सुंदर दिन चल रहे हैं। शिवलिंग पर आप 108 चावल के दाने चढ़ा सकते हैं, शिवलिंग पर बेलपत्र की माला बनाकर पहना सकते हैं। यह उपाय ऐसे हैं जिन्हें चलते फिरते कभी भी किया जा सकता है, इनों का उपायों का अद्भुत लाभ तो हमें मिलता ही है। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब आप सभी को जितना संभव हो अपने पितरों के निमित्त इस दिन जल का दान करना है, महादेव के समक्ष श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की एक माला का जाप करना है। कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस गौ माता को रोटी दीजिए, घर के दरवाजे या रसोई में आप लंबी बत्ती का घी का दीपक लगाएं, सोमवार की तिथि है, पितरों का नाम लेते हुए महादेव की सुंदर आरती करें, उन पर पंचामृत समर्पित करें, बेलपत्र से श्रृंगार करें, बेलपत्र की माला चढ़ाएं, मंत्र जाप करें। यह भी आप कर लेंगे तो पर्याप्त रहेगा। पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, बेलपत्र वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। यह कार्य कोई ज़्यादा समय पैसा नहीं लेते, इनको चलते फिरते भी प्रत्येक व्यक्ति को श्राद्ध पक्ष की तिथियों में करना चाहिए। गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा अर्चना में अपना समय व्यतीत करते हैं, तो गुरु जी ने हमेशा ही कहा है हर एक पल आपको सुख स्वयं अनुभूति हो जाए।